आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। छपरा में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, बिजली बिल को खत्म करने, किसानों का कर्ज माफ करने, किसानों के पेंशन देने आदि मांगों के समर्थन में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के दलों राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम एवं माले के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला का निर्माण कर किसानों की मांगों को अविलंब पूरा करने की आवाज उठाई। कार्यकर्ता जिले के कोने कोने से नगरपालिका मैदान में एकत्र हुए और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नगरपालिका चौक से थाना चौक के दोनों ओर खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। आंदोलन का नेतृत्व मांझी विधायक सत्येंद्र यादव, राजद अध्यक्ष सुनील राय, प्रीतम यादव, कांग्रेस के डॉ केशव सिंह, सीपीआई जिला सचिव राम बाबू सिंह, बच्चा राय, सीपीएम माले के सभापति राय आदि कर रहे थे। नेताओं ने अपनी तरफ से भारत सरकार को चेतावनी के लहजे में कहा है कि वो दमन का रास्ता छोड़ लोहाई पूर्ण वातावरण का निर्माण करे और बातचीत के माध्यम से मांगों को पूरा करने का कार्य करे। अपने प्रेम का परित्याग कर किसानों की मांग को अविलंब पूरा करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। मानव श्रृंखला निर्माण के पूर्व सीपीआई कार्यकर्ताओं ने एक विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगरपालिका चौक पहुंचकर मानव श्रृंखला कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ता किसान आंदोलन की मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मांझी विधायक एवं कमेटी जिला सचिव राम बाबू सिंह चिल्हन प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आज छपरा शहर में हजारों की संख्या में किसान महागठबंधन के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, सभी लोग किसान के सपोर्ट में, किसान जो दो महीने से आज दिल्ली के सड़कों पे, और ये तो प्रमुख मुद्दा था, साथ ही साथ बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हमारे यहाँ जिस तरह के हालात बने हैं क्राइम के, उसको लेके आज लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं। और ये चेतावनी है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेतती है, किसान बिल वापस नहीं लेती है, तो महागठबंधन के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। है ये जो है मानव श्रृंखला महागठबंधन के आह्वान पर छपरा के हर गलियों में, हर सड़कों पर, हर मोहल्लों में, हर प्रखंडों में आज महागठबंधन के नेतृत्व में छपरा के किसान ने और महिलाओं ने बड़ी तादाद में मानव श्रृंखला में भाग लिया है। सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इन भाड़क कपाती ठंड में भी किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। तो ये आंदोलन जो है मानव श्रृंखला बेहद सफल रहा है और इसकी सफलता के लिए मैं कोटि कोटि अपने महागठबंधन के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से क्या मांग है? हमें आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना काल का नजायज फायदा उठाते हुए तीन जो कृषि कानून इस देश के किसानों पर बेवजह लाद दिया, उसके खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहे हैं। और आपने देखा कि 26 तारीख को संघ के लोगों ने एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिस तरह की हरकत की, उस हरकत करने वालों को आज तक गिरफ्तारी नहीं, उल्टे किसान आंदोलन को दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार टूट पड़ी है, उसके खिलाफ और कृषि कानून वापसी की मांग कर महागठबंधन के लोग जो है सड़कों पर जो है आज मानव श्रृंखला लगाकर चेतावनी दिया है कि तीनों कृषि कानून को मोदी जी फौरन वापस ले, अन्यथा जो है महागठबंधन जो है किसी कीमत पर जो है इस कानून को माफ नहीं करेगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए भी यह चेतावनी है कि धान खरीदी के नाम पर किसानों के साथ जो छल किया जा रहा है वो छल को बंद करे और धान खरीदी सुनिश्चित करे। और बिहार की सरकार, बिहार विधानसभा में जो बजट सत्र चलने वाला है, मैं चाहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं ये काला कानून गलत है और नीतीश जी में हिम्मत है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता दल यू के लोग बिहार विधानसभा के अंदर जो है इस कानून के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, महागठबंधन जो है उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करे। धरती से जानी जाती है
और इस सरन की ही आवाज पूरे देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करती है और यहाँ से चिंगारी सुलग गई है और पूरे देश में इसका चिराग जलेगा, मसाल का रूप लेगा और जो ये तनासाह काला कानून पे कानून बनाने का काम इस देश के एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम ये तमाम छात्र नौजवान मजदूर कानून है कि किसान का जो मौलिक अधिकार है उसमें इसको छीना जा रहा है। क्या है मौलिक अधिकार? एमएनएसपी जो है उसको ये लोग वापस नहीं ले रहा है। एमएनएसपी क्या है? एमएनएसपी है कि वो जो रेट जो फिक्स किया गया है उसको जो है सही से लागू किया जाए, यही है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो किसान के खिलाफ बर्बरता कुंड बढ़ती गई है दिल्ली में, ये ठंड में 2 बजे रात में लाठीचार्ज उन लोगों पर जो किया जा रहा है और मोदी सरकार जो मानवताहीन काम कर रही है उसके विरुद्ध अगर नहीं केंद्र सरकार जाएगी तो जन आंदोलन यहां से लेकर दिल्ली तक खेला जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।